weight loss experience with you all. Initially, when I started with Suman ma'am, I was around 94 to 95 kgs. और इतना ज़्यादा ओवरवेट होना मेरे को पर्सनली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था इन सो मेनी वेज. माय हेयर फॉल वाज ऑन अनदर लेवल. आई वाज ऑन प्री डायबिटिक कंडीशन. और जब आप इतना ओवरवेट होते हो तो आप अपनी मनपसंद की चीज़ें करने के लिए दो बार सोचते हो. आपके फेवरेट क्लोथ्स आपको फिट नहीं आते. इन माई केस मेरे को जो भी कपड़े पसंद आते थे वो मेरी साइज में नहीं होते थे. इट वॉज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटेड. मैंने ठान लिया कि आई हैव टू लूज़ वेट. बट जो भी कर लो मेरा वेट बाउंस बैक हो जाता था इन सम टाइम. मैंने कीटोज भी ट्राई किया. मैंने आई यूज़ टू स्टार्व माई सेल्फ बट कुछ नहीं हुआ. मैंने जिम भी ज्वाइन करना ट्राई किया बट नहीं हुआ. मेरे को कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था. व्हेन आई सॉ सुमन मैम्स चैनल ऑन यूट्यूब उनके रेसिपीज देखे सो आई वॉज अमेज्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज एंड हर रेसिपीज. मेरे को लगा मेरे को तो एनरोल होना ही है. मेरे को मैम से कनेक्ट करना ही है. मैंने उनको फिर मेल भेजा एंड आफ्टर 20 to 25 डेज मेरे को रिप्लाई आया. देन आई गेट एनरोल्ड इन हर बैच एंड फ्रॉम देन नो लुकिंग बैक. गॉड ब्लेस हर. She changed my life in so many ways, so many positive ways actually. I couldn't thank her enough and I couldn't recommend her enough for all my friends and family. In my weight loss journey, कुछ ऐसा time भी आया जब मेरे को journey से break लेना पड़ा. You know, 2 weeks, 3 weeks due to some medical condition in family या कुछ personal issues की वजह से. सो तब भी मैम ने मुझे पूरा गाइड किया. मेरे को हर एक स्टेप पे मैम का गाइडेंस मिला है और इसी की वजह से मैं वेट लॉस आज कर पाई हूँ इतना सारा. और मेरे वेट लॉस में एक मेन चीज़ है मेरा बेली अराउंड फैट बहुत ज़्यादा कम हुआ है एंड मेरा इंच लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है. इन माय वेट लॉस जर्नी एक टाइम पे ऐसा आया कि मेरे को ब्रेक लेना पड़ा वेट लॉस जर्नी से 2 to 3 weeks का ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी. सो तब भी सुमन मैम ने मेरे को पूरा गाइड किया. ऐसा एक दो बार हुआ तब भी मैम ने मेरे को पूरा गाइड किया. अगर आप जेन्यून हो, अगर आप आपके डाइट के साथ लॉयल हो, अगर आप मैम के साथ लॉयल हो तो यू विल गेट सेटिस्फाइड रिजल्ट एज यू वॉन्ट. आई प्रोमिस यू दैट. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर this amazing transformation. Thank you so much. Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman and thank you so much each and every person जोश वीडियो की स्पीच पे बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए. एंड आप लोगों ने ट्रस्ट करके मुझे अपनी स्टोरीज बताई हैं ऑन मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम. मेरे पास बहुत सारे वॉइस नोट आए हैं. कुछ मैंने सुने हैं, कुछ मेरे सुनने बाकी हैं. बट टू बी ऑनेस्ट उस स्पीच के बाद मुझे 2 दिन लगा था वापस अपने ट्रैक पर आने पर क्योंकि मैं खुद उन पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप में चली गई थी. बट मैं आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी फॉर अमेजिंग रिस्पांस ऑन माय जोश टॉक की स्पीच के ऊपर. मैं इतना अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सबसे बड़ी बात कि आप लोग मुझे अपनी इतनी डीपली स्टोरीज बताओगे. और मुझे ऐसा फीलिंग आया कि बहुत सारे लोगों की सेम स्टोरी है आपकी और मेरी. लाइक हमारी काफ़ी सिमिलर चीज़ें हम लोग मैच कर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ इस तरीके से आगे जाना चाहिए कि डिवोर्स डलने के जो टर्म्स एंड कंडीशन है इंडिया के अंदर उस चीज़ को चेंज होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे बैच में मेंबर्स हैं, फीमेल्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से डिवोर्स की विक्टिम हम बोल सकते हैं, वो भी अननेसेसरी, जिनका कोई एक्चुअली में कोई मिस्टेक नहीं है. सो इस बारे में हम आने वाले टाइम में ज़रूर बात करेंगे लाइव सेशंस में. एंड या अगेन थैंक यू सो सो मच लाइक फॉर अमेजिंग रिस्पांस. आई लव यू गाइस ऑल सो मच. थैंक यू सो मच फॉर गिव मी अ स्ट्रेंथ कि मैं और अच्छा करूँ, मैं और आगे जाऊँ और मैं और अच्छे से आप लोगों को हेल्प करूँ इन टर्म्स ऑफ योर फिटनेस जर्नी, इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का हम साथ देंगे. सो वेलकम बैक टू द वीडियो टॉपिक. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्री डायबिटिक
डाइट एंड ये बहुत ही एक लंबे समय तक का डाइट है जो कि आप फॉलो कर सकते हो इजीली 4 से 5 महीने तक, और इस डाइट को करने से आपको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे पल्लवी की, पल्लवी का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था ऑन माय इंस्टाग्राम। एंड मुझे ऐसा पर्सनली फीलिंग आई थी जब स्पेशली आफ्टर जोश टॉक मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो कि डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग किसी से डाइट ले नहीं पाते क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, राइट, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। सो डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना इन्वेस्ट करना है कि एक भी स्ट्रिक्ट पर्सन पकड़ना है जिससे आप लोग थोड़ा सा डरो, कोई भी आपके आसपास का मेंबर, कोई भी मेंबर जिसको आप डेली का एक वेट अपडेट दे पाओ। एंड इस डाइट चार्ट को आप इजीली फॉलो कर सकते हो और अपने आप को क्योर कर सकते हो, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो मोर देन 40 किलोज अगर आप फोकस होके चलते हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे पल्लवी है, उनका जो डाइट चल रहा था तो उनकी पर्सनल स्ट्रेस काफ़ी आए थे बीच में, वो कभी रुकी कभी चली, कभी रुकी कभी चली। रुकेंगे हम सब, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, पंगे आते हैं, दिक्कतें आते हैं, हम सब रुकेंगे, लेकिन रुकने की रात के बाद अगली सुबह हम दोबारा से जंप करेंगे अपनी जर्नी की तरफ ना, हमें दोबारा खड़ा होकर आगे टप्पा मारना है, आगे चलना है कि भैया हो गया, रात गई बात गई, सुबह नया सवेरा और सुबह नया दिन और सुबह नई चाहत। सो आज हम बात करेंगे पल्लवी ने किस तरीके से 43 किलोस लूज करा है एंड बहुत जल्दी लूज करा है, इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ है। और जिन जिन लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, ब्रेस्ट बहुत सैगी होती है, बहुत हैवी होती है और टमी बलून की तरह फूला होता है एंड लेग्स पतली होती हैं, ये डाइट उनके लिए मेजरली है। प्लस जिन जिन लोगों को प्री डायबिटिक आया है, जिन जिन लोगों के बॉडी में 100 प्लस का वेट है, ठीक है, ये डाइट स्पेशली उन लोगों के लिए है। एंड इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैंने सारे लिंक्स पहले ही अपनी टीम को बोल के बोल दिया है कि एक 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 भी लिंक मिस नहीं होना चाहिए रेसिपीज़ का। आपको मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से इस डाइट को कर पाओ और लंबे समय तक चला पाओ, ठीक है। एक बंदा पकड़ना जिसको डेली का वेट अपडेट देंगे। डाइट करने के 3 रूल, सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल। सुबह उठ के डेली अपना वेट चेक करना है, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद बिना कपड़ों के, ये मैं 5 साल से बोल रही हूँ। और अगर आपको पॉटी आता है बहुत अच्छा, आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर है बहुत सही है, अगर नहीं है तो जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स, चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन और किसी को भेज दो, आज सुबह का मेरा वेट इतना है 7 बजे से पहले। स्टार्ट करते हैं दिन और हम शुरू करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। रिसेंटली मैंने 8 मॉर्निंग ड्रिंक की ये वीडियो डाली थी स्पेशली फॉर शुगर पेशेंट। इनमें से कोई भी ड्रिंक आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। बेस्ट एडवाइस इज एक ड्रिंक पिक करो, उसके पूरा वीक चलाओ 7 दिन और उसके बाद स्विच टू अनदर ड्रिंक। इस ड्रिंक को हम मॉर्निंग ड्रिंक में भी लेंगे, नाइट ड्रिंक में भी लेंगे, इट्स अप टू यू कि आप इन 8 ड्रिंक में से कोई भी ड्रिंक अपनी मॉर्निंग ड्रिंक चूज कर सकते हो और नाइट ड्रिंक चूज कर सकते हो 1 वीक के लिए लगातार। 1 वीक के बाद आप उसको फिर चेंज कर दो, 8 वीक की आराम से आपके पास ड्रिंक्स रेडी है, आराम से। इन ड्रिंक्स को लेने के बाद आप अपना शुगर भी चेक करते रहना, हल्का सा भी डिजी फील हुआ, इट मीन्स इट्स नॉट लाइक यू आर ऑन अ डाइट। मैं जो डाइट बता रही हूँ बहुत खाती पीती डाइट है और इजीली आपका लूज होगा, बट अगर आपको हल्का डिजी फील हुआ इट मीन्स आपका शुगर लो है, फटाफट शुगर चेक करेंगे या हाफ एप्पल खाएंगे या फिर 2 खजूर डालेंगे अपने मुँह में एंड यू विल फील ओके, ठीक है, इट मीन्स आपका शुगर कंट्रोल में आ रहा है। तो इस ड्रिंक को आपको रोकना पड़ेगा 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए शुगर चेक करेंगे, दोबारा से ड्रिंक अप अपनी चालू करेंगे। बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर मैं आपको देना चाहती हूँ बेसन एंड वीट फ्लावर की रोटी, सिंपल सिंपल बजट वाला खाना जो कि ये रहा, सबके घर पे बेसन और वीट फ्लावर की रोटी है। यहाँ पे आपको देना चाहूँगी वेराइटीज ऑफ चिल्ला, ग्रीन मूंग दाल का चिल्ला या फिर आपका मूंग दाल का चिल्ला, ओट्स एंड किनुआ का चिल्ला हम लेंगे यहाँ पे, पनीर भुज्जी की सैंडविच हम यहाँ पे ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, घिया और बेसन का चिल्ला हम ले सकते हैं। जितने NRI लोग हैं जिनके पास घिया अच्छे से नहीं मिलता, वो घिया का रिप्लेसमेंट जुकिनी से कर सकते हैं। ये सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो। मेक श्योर गेहूँ पूरा पूरा नहीं डालना, आप गेहूँ और जौ की रोटी खा सकते हो, गेहूँ और ज्वार की रोटी खा सकते हो ड्राई सब्जी के साथ, और साथ में आपकी मिल्क टी एंड कॉफ़ी विदाउट शुगर परफेक्टली चलेगी। नाश्ते का टाइम होना चाहिए सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर, आपका जो नाश्ता है वो बिल्कुल हो जाना चाहिए और भूखा नहीं रहना। एक तो भूखे रहने से आपकी शुगर भी गिरेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा। ये दिमाग में से भूल जाओ कि मील स्किप करने से वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, ना 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 जाने में, ऐसा नहीं होगा बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं अब मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी 5 नीम का पत्ता च्यू करेंगे खाएंगे
उसके साथ मुट्ठी भर भुना हुआ चना या फिर मुट्ठी भर मुरमुरा या फिर एक या दो खीरे या फिर दो वॉलनट ओवरनाइट सोल्ट। अब ये आपके बजट के ऊपर है, आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। भुना चना और मुरमुरा बहुत सस्ता मिलता है, मैं बोलूँगी आप इन दोनों को भी लेकर अपना काम चला सकते हो। नीम का पत्ता फ्री का है हमारा, हर गली में एक दो नीम के पेड़ होते हैं। वॉलनट्स थोड़े से महंगे होते हैं, अगर आप उसको लोगे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, बट अगर आप वॉलनट अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स ओके ना, हम भुना चना और मुरमुरा से काम चला लेंगे। अब बात करते हैं हम लंच की। लंच में यहाँ पे हम थोड़ा सा हैवी रखेंगे, इट्स अप टू यू कि आपको कितनी भूख है। मैं आपको बहुत सारे लंच के यहाँ पे ऑप्शंस दूंगी, बतेरे सारे लंच के ऑप्शंस दूंगी। लंच के ऑप्शन में मैं यहाँ पे दूंगी आपको ओट्स की खिचड़ी, ये रही उसकी रेसिपी। नेक्स्ट इज वेज किनवा का सैलेड, ये रहा उसका रेसिपी। यहाँ पे है ब्राउन राइस, ब्राउन राइस पुलाव की तरह मैंने बहुत सारे बनाए हैं, ये रही उसकी रेसिपी। नेक्स्ट अब मेरे पास आता है बार्ले का दलिया या फिर मल्टीग्रेन दलिया, आप गेहूं के दलिये को छोड़ के मल्टीग्रेन दलिया या बार्ले का दलिया आप ले सकते हो, ये रही उसकी रेसिपी। नहीं खाने का मन इनमें से कुछ भी तो हम टिक्की पे स्विच करते हैं, ये रही चना टिक्की की रेसिपी। या फिर यहाँ पे है ओट्स एंड वाइट चना की टिक्की की रेसिपी, या फिर यहाँ पे दाल इडली की रेसिपी। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप अपने लिए चूज कर सकते हो और ट्रस्ट मी आराम से वेट जाएगा, भूखा नहीं रहना। हमने हेल्दी ऑप्शन चूज करने, तो ये सारे ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो। इनके अलावा भी अगर इनमें से कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं है, तो व्हाइट चना का सलाद ये रहा, ग्रीन साबुत मूंगे का सलाद ये रहा। इनमें से आप सैलेड कोई भी पिक कर सकते हो। मेक श्योर अगर आप ऑफिस जा रहे हो आपने सैलेड लेना है, व्हाइट चना बॉइल्ड आप अलग डब्बी में पैक करेंगे, सैलेड की सामग्री अलग डब्बी में पैक करेंगे, खाने लगेंगे तभी आप आपस में एक दूसरे को मिक्स करेंगे। अगर आप सैलेड्स ले रहे हो, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मेक श्योर आपका सॉल्ट का इंटेक नाम मात्र हो लंच में, बट अगर आप खिचड़ी किनवा या फिर आप ब्राउन राइस ले रहे हो उसमें आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो। ये इन सारी चीज़ों में मैंने आपको बजट की चीज़ भी बताई है और थोड़ी महंगी चीज़ भी बताई है, इट्स अप टू यू कि आप दोनों में से कोई भी चीज़ अपने हिसाब से चूज करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लंबे समय तक ले सकते हो। मतलब ये डाइट आप इजीली कर सकते हो 4 से 5 महीने तक और आराम से आपका वेट लॉस होगा, 30 kgs, 35 kgs, बहुत आराम से। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर मैं आपको 2 teas दूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फैट लॉस के लिए। सेकेंड इज आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेमन ग्रास टी, अमेजोन पे मिलती है, हर जगह मिलती है। लेमन ग्रास का पौधा लगा लो, सबसे बेस्ट है अपने घर पे, वो द बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आती है अनार के छिलके की टी। अनार के छिलके का टी सबसे अच्छी और तगड़ी रेमेडी है शुगर को काटने के लिए, बहुत अच्छी इसके बेनिफिट्स है, ये रही उसकी वीडियो। इसके अंदर मैंने डीपली सब कुछ बताया अनार के छिलके की टी के लिए। सो इन दोनों में से कोई भी आप टी एक पिक कर सकते हो। अनार का छिलका घर पे ही आता है यार, अनार बच्चे कोई ना कोई खाता ही होगा, छिलके फेंकने क्यों, हम उसको इस्तेमाल करेंगे ना। इसके साथ हम लेंगे 1 से 2 खीरे। शाम को आप खीरे ज़रूर रखिएगा अपनी डाइट में। खीरे खाने का मन नहीं है, मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं, हम हैंडफुल ऑफ भुना हुआ मखाना लेंगे बिना नमक का, घी में सौते किया हुआ, या फिर आप भुना हुआ चना दोबारा से आप रिपीट कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में हम लेंगे दाल घिया, नहीं तो वेजीज कटलेट, नहीं तो टमाटो सूप हम ले सकते हैं, नहीं तो करेले का सैलेड ले सकते हैं, नहीं तो ब्रिंजल का सैलेड ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बिल्कुल भूख नहीं है तो हल्दी वाला दूध ले सकते हैं बिना किसी शुगर वाले आइटम को ऐड किए बिना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत भूख है तो हम पालक का रैप ले सकते हैं, वो बड़ा फीलिंग रहेगा आप लोगों के लिए ना, और इससे वेट भी लूज बड़ा अच्छा होगा। कोशिश करना डिनर में सॉल्ट का इंटेक काटा कर दो, बट हाँ अगर आपका बीपी लो का प्रॉब्लम है देन यस यू कैन ऐड सॉल्ट। अब नाइट ड्रिंक क्या है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। इस डाइट को करने से बहुत ईजिली आपका लूज होगा, बहुत आराम से लूज होगा, अप्रॉक्सीमेटली +30 kilos, और ये 5 महीने तक इतने सारे ऑप्शंस के साथ डाइट आप इजीली कैरी कर सकते हो। मेक श्योर आफ्टर 40 days आप अपना शुगर दोबारा चेक कराओ, एंड ट्रस्ट मी विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आप बहुत आराम से अपने आप को नॉन डायबिटिक पाओगे, नॉन डायबिटिक, ट्रस्ट मी। आप अपना टेस्ट कराओ डाइट चालू करने से पहले HbA1c, और 40 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराओ, एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स, दिस इज माय गारंटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप इस डाइट को करने के बाद आप लोग मुझे बहुत सारी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज भेजोगे। मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरे को मेरा गिफ्ट चाहिए बिफोर एंड आफ्टर की योर पिक्चर्स। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर योर लवली सपोर्ट, एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।